तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कंपेयर करने वाले हैं जो अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ब्रीड चल रही है वो दोनों ब्रीड, और वो है साइबेरियन हस्की और लैब्राडोर। लैब्राडोर जो ब्रीड है वो पूरी की पूरी फ्रेंडली ब्रीड है, हम उसको जानते हैं, बट हम साइबेरियन हस्की को नहीं जानते। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, ये बहुत सारे लोगों को पता है कि ये बस बर्फीले देशों में रह सकती है, बट ये अभी इंडिया में भी ब्रीड करना चालू हो चुका है। तो सबसे पहले हम करेंगे, दोनों भी फ्रेंडली हैं, और इनमें क्या होता है, जो साइबेरियन हस्कीज होते हैं उनके जो ईयर्स होते वो जब बर्थ से ही स्टैंड होते, और लैब के ईयर कभी भी ऊपर नहीं होते। इनके ईयर लंबे लंबे होते हैं और उनके जो कान रहते उनसे वो चिपके हुए रहते, वो फ्लैट रहते, वो फ्लाइंग कभी भी नहीं रहते। अब इनकी आती है बात आँखों की। लैब में आइज नॉर्मल ही रहती है, बट अगर आप हस्की की बात करोगे तो इसमें ऐसे ऑड आइज भी आते हैं, नॉर्मल आइज भी आते हैं, ब्लू आइज भी आते हैं। और अगर दूसरी बात करेंगे हम लैब में कलर की, लैब में चॉकलेट, ब्राउन, फॉन, मिल्की वाइट, और उसको फिर येलो भी बोलते, वो भी एक कलर आता है। और हस्की में ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट, और इसमें इसे ड्यूअल कलर ही आते हैं। उनमें कम से कम ज़्यादा फुल्ली मिल्की वाइट देखने को मिलता है, ब्लैक तो अभी तक मिला नहीं। और इनमें प्योरिटी और इनके जो रेड्स होते हैं वो इनकी आँखों से, और इनके जो आँखों के ऊपर जो आपके तीन डॉट दिख रहे हैं ये ऊपर का और उधर का, इसे कहते हैं त्रिशूल मार्किंग। उसके वजह से ही इनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं वो समझ में आती है। और इनमें बोन, और इनका भी बोन अच्छी तरह से आपको लेते वक्त देखना चाहिए, जिससे हम बच्चा ले रहे हैं, बच्चे हेल्थी है या नहीं, खाता है कि नहीं वो। और अगर आप समझो लैब और हस्की में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, कि आप डिसीजन लेना चाहते हो कि उन इनमें से कौन सा डॉग लेना चाहिए, तो उसमें आपको सबसे पहले एक ही बात ध्यान में रखनी है, लैब जो है वो शॉर्ट कोट वाला कुत्ता है, मगर हस्की में दो कोट होते हैं, ये वोली कोट में भी आते हैं और डबल कोट में भी आते हैं। और इनका जो कोट होता है वो डबल कोट कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लगे कि सिंगल कोट जैसा दिख रहा है, पर नहीं, इसके ऊपर जो है वो पूरे जो लंबे लंबे बाल है वो इसे भीगने से बचाते हैं, वो ज़्यादा जल्दी भीगते नहीं। और इसके अंदर जो एक अंडर कोट होता है वो इसे गर्म रखने के लिए, जब ये बर्फीले इसमें होते हैं, जो बर्फीला इनका जो ये होता है इन्वायरमेंट होता है, जब वहाँ पर रहते थे ये, उनको बर्फ़ की वजह से ये डबल कोट उनको चाहिए था। ग्रूमिंग तो अब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन दोनों में लैब में जो है जो शॉर्ट कोट होता है उसकी वजह से उसको ग्रूमिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हस्की को आपको सुबह सुबह घर के बाहर ले जाके उसको ब्रश करके उसके पूरे जो जो डेड हेयर्स है उनको जमा करके आपको कहीं पर डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, नहीं तो आजू बाजू कहाँ भी आपको हवा में दिखने लगेंगे। हस्की का बस माइनस पॉइंट यही होता है कि उसके जो शेडिंग होती है, जब वो शेडिंग चालू हो जाती है आप ग्रूम ही करना पड़ता है, वरना उसकी गांठें बन जाती है उनके बालों की। लैब में ऐसा कुछ नहीं होता, बट लैब की भी जब शेडिंग होती है, लैब के बाल आपको ऐसे हवा में नहीं दिखें कि वो शॉर्ट होते हैं और वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं, जब महीना दो तीन महीने के बाद आपको वो दिखेंगे तब आपको समझ में आ जाए कि लैब के भी बाल झड़ते हैं, बट वो हस्की के बड़े होने की वजह से वो ध्यान में नहीं आते। तो दोनों को भी मेंटेन करना आसान है। आजकल जो हमारे इंडिया में ब्रीड होने वाले हस्की है वो आसानी से हमारे इंडिया में रह सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, जब आपके जो एरिया है वहाँ अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको बस कूलर लगवाना है। हाँ, एसी ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप कूलर भी लगवाते हो तो भी हस्की के लिए ओके रहेगा। मैं तो लैब के लिए भी लगाता हूँ जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब हमें गर्मी सह नहीं पाते हम, तो ये तो बेजुबान जानवर है, गर्मी सहेंगे कैसे, तो हमें उनका भी देखना पड़ता है। तो इनकी बात करेंगे हाइट की, इनमें हाइट में जो हस्की होती है उनकी स्टैंडर्ड हाइट 20 इंचेस टू 24 इंचेस तक आती है,
और जो लैब होती है वो 22 से लेकर 24-25 तक चले जाते हैं। 24 ही तो स्टैंडर्ड हाइट है उनकी। कलर मैंने आपको बताया, अब इनका रहता है बिहेवियर। बिहेवियर में लैब तो पूरा फ्रेंडली है, सुपर फ्रेंडली डॉग माना जाता है, वो किसी के साथ भी घुल मिल जाता है। बट अगर हस्की है तो वो ज़्यादा लोगों के साथ घुलता नहीं, अगर घुलता भी है तो पहले डायरेक्ट घुलना नहीं चालू हो जाता, वो पहले देखेगा करेगा आदमी कौन है कैसा है, वो खुद के हिसाब से जज करेगा, बाद में वो आदमी के पास जाएगा आगे वाले। तो एक जो है वो मीडियम फ्रेंडली है समझो हस्की, और जो अपना दूसरा वाला है लैब वाला वो जो है सुपर फ्रेंडली है। आप दोनों भी डॉग बच्चों के साथ रख सकते हो, दोनों भी डॉग इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे है। लैब तो पता है आपको, लैब तो हमारे पुलिस में भी है। हस्की बस मेंटेनेंस की वजह से वहाँ पे ग्रूमिंग के लिए और उसके इंटेलिजेंस लैब से थोड़ा सा कम होने के कारण वो उनको वहाँ पे नहीं लेते, या फिर शायद आगे चल के अगर उनको समझो टेस्ट किया का कुछ भी हुआ तो आगे चल के ले सकते हैं। अगर आप हस्की और ये लेना चाहते हो लैब में से अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो मैंने आपके जो भी पॉइंट्स चाहिए मैंने आपको बता दिए कि उनमें से आपको कौन सा डॉग चूज़ करना चाहिए।